ये हैं पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद कासिम, जिनका कहना है कि इन्हें अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं, जहाँ पर ना सिर्फ अल्लाह के रसूल आकर इनसे कई सारी बातें करते हैं, बल्कि अपने ख्वाबों में अल्लाह ताला की जियारत भी करते हैं। और ये ख्वाब उन्हें पिछले 28 सालों से आ रहे हैं, और इसी के चलते उन्हें कई सारे लोग इमाम मेहंदी भी मान रहे हैं। और कुछ तो मुझे भी मेल करके बता रहे हैं कि यही असली इमाम मेहंदी है। और इन्हें ख्वाब आता है जहाँ पर इन्हें अल्लाह के रसूल बताते हैं कि जल्दी इन्हें पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद ये पूरी उम्मत को एक करेंगे और असली इस्लाम को दुनिया तक पहुँचाएंगे। लेकिन हकीकत में ये इमाम मेहंदी के आसपास भी नहीं भटकते हैं, इन्होंने तो अपने चेहरे पर दाढ़ी तक नहीं रखी है। ऐसा दावा करने से पहले इस बात को तो सोच लेते, जितना हो सके आप इन सब फितनों से दूर रहें। ये सिर्फ उम्मत को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे तारीख में ऐसे कई सारे और भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने खुद को या तो इमाम मेहदी या फिर खुद के नबी होने का दावा किया था, और कुछ गुमराह होकर इनके पीछे चल पड़े थे। लेकिन आप खुद को गुमराह होने से बचाएं और जितना हो सके ऐसे फितनों से खुद को दूर रखें।